Hello students, welcome to classes of Mansarovar. Students, today I am going to discuss the truck drivers protest with you, which has been raging all over the internet. तो students, कल जब मैंने Twitter पे देखा कि इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो I got a little confused. Actually, जिस लॉ को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है वो मैंने भी पढ़ा है and मैं उतना समझ ही नहीं पाई कि उस लॉ में प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो लॉ तो काफ़ी कोजेंट है. तो मैं आपको भी वो लॉ समझाती हूँ, 10 मिनट्स तक मैं आपको वो लॉ समझाती हूँ और फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या वो लॉ प्रोटेस्ट वर्दी है. लेट्स स्टडी विद एन ओपन माइंड. मैं आपको इतनी बेसिक तरीके से, इतने सिंपल तरीके से समझाऊँगी कि अगर आप एक लेमैन भी हैं तो आप इस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, राइट? और वैसे भी ये इंडिया में नया लॉ है तो बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. मैं आपको ये प्रोटेस्ट पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहती हूँ, तभी आप इस प्रोटेस्ट को अप्रिशिएट कर पाओगे. समझो, आप इंडिया में जो बेसिक क्रिमिनल लॉ रहा है वो रहा है IPC, इंडियन पीनल कोड, जो 1860 से इंडिया में है, राइट? ये एक ब्रिटिशर लॉर्ड मैकॉले को क्रेडिट दिया जाता है इस बात का. उन्होंने इंडिया में IPC लेके आए थे, बहुत ही मास्टरपीस रहा है. 160 ईयर्स से ज़्यादा हमें इस लॉ ने सपोर्ट भी किया है. बट जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट, उनका हमेशा से ये प्रॉमिस था कि हम इन कॉलोनियल लॉज को छोड़ के अपने इंडिया के लॉज बनाएंगे. और अब ये IPC रिप्लेस होने वाला है बाय BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023. ओके, भारतीय न्याय संहिता 2023 लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है. प्रेसिडेंट इसको साइन भी कर चुकी हैं. बस अब नोटिफाई करना बाकी है कि किस दिन से ये लॉ लागू होगा. इसी लॉ के एक सेक्शन को लेके, सेक्शन 106 को लेके सारा डिस्प्यूट है. सो वी हैव टू सी व्हाट इज सेक्शन 106 एंड व्हाई इज देयर अ डिस्प्यूट अराउंड इट. ठीक है, अब जो ये सेक्शन 106 है भारतीय न्याय संहिता का, इसके दो पार्ट्स हैं, या जिसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. क्लॉज 1 को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट इन क्लॉज 1. सारा डिस्प्यूट क्लॉज 2 को लेके है. बट आप क्लॉज 2 तब समझ सकते हो, डिस्प्यूट तब समझ सकते हो जब पहले आप क्लॉज 1 समझ लो. तो पहले मैं आपको क्लॉज 1 बताती हूँ और फिर बताती हूँ क्लॉज 2 किस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल है. 106 BNS के क्लॉज 1 में एक बात लिखी हुई है कि अगर एक पर्सन के रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन ने कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किया है जिसके कारण एक दूसरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जिसने वो रैश या नेग्लिजेंट एक्ट किया है उसको दी जा सकती है 5 ईयर्स की जेल की सजा एंड साथ में उस पर इम्पोज किया जा सकता है फाइन. फिर से समझो, एक पर्सन के रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो गई है, somebody has died, तो जिसने वो रैश या नेग्लिजेंट एक्ट किया था उसको हम 5 ईयर्स तक जेल भेज सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है 5 ईयर्स तक की, और साथ में उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है. लेट मी एक्सप्लेन थ्रू वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है, एक पर्सन है जेड, ये अपनी कार में जा रहा है, ही इज़ वेरी वेरी इंटॉक्सिकेटेड और इसको ड्राइव नहीं करनी चाहिए इस कंडीशन में, बट ये अपनी कार में जा रहा है और इसने एक पेडेस्ट्रियन पी को क्रश कर दिया और पी की डेथ हो गई. तो ड्रंक होके ड्राइव करना एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है,
जिसकी वजह से एक पर्सन पी की डेथ हो गई। तो अब जिसने वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किया था, मतलब सेड, उसको आप 5 ईयर्स तक जेल भेज सकते हो और साथ में आप उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकते हो। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ये H&W हैं, हस्बैंड वाइफ, इनका एक बच्चा है 2 साल का और ये बच्चा बहुत टाइम से इल है, बीमार चल रहा है, इसका फीवर नहीं उतर रहा, इसके फेस पे येलोनेस है, ये रोता रहता है। और जो H&W हैं वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बैकवर्ड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ये घरेलू इलाज ही कर रहे थे। लोगों ने बोला भी डॉक्टर के पास जाओ, बट ये जा ही नहीं रहे बच्चे को लेके, बच्चे की हालत अब ख़राब हो गई है। ये दोनों गांव में एक तांत्रिक के पास जाते हैं, या शेमन बोलते हैं इंग्लिश में, और तांत्रिक बोलता है बच्चे के अंदर तो कोई स्पिरिट आ गई है, वो स्पिरिट निकालने के लिए बच्चे को ठंड में पेड़ के नीचे रात को 2 घंटे सुलाना होगा, वो ही स्पिरिट को खींच के लेके जाएगी। अब ये तो देखो कोई सेंसिबल बात नहीं है, बट H&W भी शेमन की बात में आके अपने बच्चे को रात को ठंड में बिना कपड़ों के एक ट्री के नीचे सुला देते हैं, बच्चा रोता रहता है रोता रहता है, और फाइनली इतनी ठंड में बीमार बच्चे की डेथ हो जाती है। अब देखो जानबूझ के तो उसके पेरेंट्स उसकी डेथ करना नहीं चाहते थे, बट इन तीनों ने एक बहुत ही रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करा है, इतनी ठंड में बच्चे को बिना कपड़ों के सुला देना, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। तो इन लोगों को क्या सज़ा मिल सकती है? 5 ईयर्स तक की जेल एंड फाइन। सो अगर कोई भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी सज़ा 5 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एंड फाइन रखी गई है। वो रैश एक्ट बहुत तरीके का हो सकता है। रैश एक्ट हो सकता है अपने घर में स्नेक्स को पालना और एक स्नेक निकल के नेबर के घर में किसी को स्टिंग कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। कुछ भी हो सकता है रैश एक्ट। इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस भी आ सकता है, डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो गई, उसके लिए सज़ा थोड़ी सी कम रखी गई है, 2 ईयर्स। वो एक अपने आप में अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, वो अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए समझो, BNS के 106 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, अगर किसी के रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो जाएगी तो आप उसको 5 साल तक की जेल की सज़ा दे सकते हो। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डेथ होना तो वैसे ही बहुत बड़ी बात होती है, तो इतनी सज़ा तो वो डिज़र्व करते हैं। यहाँ तक कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज गुड टिल हेयर। द प्रोटेस्ट हैज इरप्टेड अपॉन क्लॉज 2 ऑफ 106। ठीक है, ये क्या है अब इसको समझते हैं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। 106 के क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए सामने वाले की डेथ कॉज कर देता है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्लॉज 2 कह रहा है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से डेथ कॉज होती है। यहां पे सिर्फ एक ही बात कवर्ड है, ड्राइविंग। ये और केसेस को नहीं ले रहा रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के, ये मेडिकल नेग्लिजेंस को नहीं ले रहा, ये तांत्रिक वाले केस को नहीं ले रहा, ये स्नेक्स वाले केस को नहीं ले रहा, ये सिर्फ ड्राइविंग की बात कर रहा है। तो फिर से सुनो, 106 क्लॉज 2 में लिखा है अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी की डेथ कॉज कर देता है और वहां से भाग जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस और मैजिस्ट्रेट। सुनो, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए एक तो डेथ कर देता है और फिर वो वहां से भाग जाता है बिना उस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन दिए पुलिस या मैजिस्ट्रेट को। तो अब उस व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, डबल। 10 ईयर्स हो गई इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। पहली बात तो ये और नेग्लिजेंस के केसेस में नहीं लग रहा, ये मेडिकल नेग्लिजेंस या एनिमल से रिलेटेड इन चीजों में नहीं लग रहा, सिर्फ ड्राइविंग में लग रहा है।
तो एक पर्सन रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए डेथ कॉज करता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है बिना इन्फॉर्म करे किसी को भी, तो अब सज़ा 10 साल हो सकती है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं हिट एंड रन, राइट। अब इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ और फिर बताती हूँ प्रोटेस्ट क्या है। ये तो मैंने आपको एक बार लॉ बता दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अब मैं आपको इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ और फिर बताती हूँ प्रोटेस्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं ट्रक ड्राइवर्स के ही एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। मैं 3-4 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ट्रक ड्राइवर्स के और आपको उससे समझा रही हूँ। अब सुनो मेरी बात। मेरा पहला एग्जाम्पल है, एक ये ट्रक है और जो इसके ट्रक ड्राइवर हैं वो बिल्कुल केयरफुली अपनी ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने स्पीड लिमिट भी फॉलो कर रखी है, सीट बेल्ट भी लगा रखी है, सब कुछ 100% उनके पार्ट पे ओके है। एक ड्रंक पर्सन उनकी गाड़ी के आगे आके कूद गया, उनकी कोई गलती नहीं है, ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्रंक पर्सन आके उनकी गाड़ी के आगे कूद गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई ट्रक के नीचे क्रश होने से। ट्रक ड्राइवर की कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो, उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो कोई रैश एक्ट भी नहीं किया, वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही स्पीड पे बेल्ट लगा के ड्राइव कर रहे थे, तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, बात खत्म। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक ट्रक ड्राइवर हैं, वो ड्रंक होके ड्राइव कर रहे हैं, ही इज़ वेरी ड्रंक, ही शुड नॉट बी ड्राइविंग, बट ही इज़ ड्राइविंग द ट्रक एनी वे। एंड अब एक पेडेस्ट्रियन को उन्होंने अपने ट्रक से क्रश कर दिया, ही क्रशेज अ पेडेस्ट्रियन विद दिस ट्रक एंड द पेडेस्ट्रियन डाइज। अब तो ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर की गलती है, उनको ड्रंक होके थोड़ी ड्राइव करना चाहिए था। तो अगर हम अभी तक देखें तो जनरली लिखा था अगर कोई भी रैश नेग्लिजेंट एक्सीडेंट किसी की भी डेथ कॉज कर देगा तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 5 साल की इम्प्रिजमेंट। यहाँ तक भी मामला ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ अगर वो पर्सन जो पेडेस्ट्रियन है वो फुल ऑफ ब्लड है, अभी उसकी सांसें चल रही हैं या कुछ भी, चाहे उसकी डेथ भी हो गई है, कुछ भी हो गया है। इसमें 2-3 सिनेरियोज लेते हैं। पहला सिनेरियो है कि जो पेडेस्ट्रियन है वो ही इज़ लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड और अभी उसकी बहुत बुरी हालत है, पर ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मेरे को जेल हो जाएगी और लोग आ गए तो मुझे मारना शुरू कर देंगे, एंड ही सिंपली एस्केप्स। वो ड्रंक थे, वो ट्रक चला रहे थे, कोई उनके पेडेस्ट्रियन उनकी ट्रक से क्रश हो गया और वो उतरे और वो बहुत बुरी हालत में है जो पेडेस्ट्रियन है, बट वो सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा, लोग भी मुझे मारना पीटना शुरू कर दें, वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं, पेडेस्ट्रियन को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आधे घंटे बाद कोई वहाँ से गुजरता है, जब तक वो हॉस्पिटल लेके जाता है पेडेस्ट्रियन की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में अब लिखा हुआ है कि ट्रक ड्राइवर को कितनी सज़ा हो सकती है, 10 ईयर्स, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है, जो पेडेस्ट्रियन था ही वाज लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड, ट्रक ड्राइवर उतरे, उसको देखा बहुत बुरी हालत में है, फटाफट गाड़ी में डाला, ही टेक्स हिम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में द पेडेस्ट्रियन डाइज। डेथ हो गई तो ट्रक ड्राइवर को सजा तो मिलेगी, बट वो भागे नहीं बल्कि वो गए हॉस्पिटल लेके, तो उनको अभी सज़ा कितनी मिलेगी जो उन्होंने ट्रक से हिट किया उसी की, 5 साल। तीसरा सिनेरियो है, जो पेडेस्ट्रियन है ही इज लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड, वो ट्रक से उतरे बट वहाँ पे क्राउड जमा हो गया और क्राउड चीखने लग गया, मारो मारो इसको छोड़ना मत, द ट्रक ड्राइवर गॉट वेरी स्कैर्ड, ही got into a truck and sped away, कि वरना तो लोग मुझे किल कर देंगे, राइट, मॉब लिंचिंग का डर। बट ही कॉल्ड पुलिस फ्रॉम हिज फोन, ही सेड मेरी ट्रक से ऐसे एक आदमी क्रश हो गया,
या ये भी नहीं बताया, बोला कि सड़क एक सड़क पे एक आदमी बहुत बुरी हालत में, उसको आप जाके देखो, पुलिस स्पॉट पे पहुंची, लेके गए सब कुछ. ही एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ही एस्केप्ड बट ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस, देन ऑल्सो इट इज 5 years पनिशमेंट. आई टेक वन मोर सिनेरियो. द सिनेरियो इज ट्रक ड्राइवर जब उतरे तो वो ऑलरेडी डेड था, पेडेस्ट्रियन मर चुका था. एंड द ट्रक ड्राइवर थॉट कि अब तो पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, क्या होगा मेरे साथ. ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी, ही जस्ट वेंट अवे. तो ही एस्केप्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस और एनीथिंग. अगेन द पनिशमेंट वुड बी 10 years. तो समझो मेरी बात स्टूडेंट्स, लॉ बस ये एक्सपेक्ट कर रहा है हिट एंड रन के केसेस में, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर पे नहीं है, ये किसी भी पे भी हो सकता है, ये बाइक वाले के लिए भी हो सकता है, एक कार ड्राइवर पे भी हो सकता है, किसी पे भी, बस ड्राइवर पे भी हो सकता है. लॉ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आपसे हिट एंड रन हो गया है, तो आप एटलीस्ट उस सीन पे रहो, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करो विक्टिम को, आप पुलिस को बताओ, आप इंफॉर्मेशन तो दो जिससे कि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके. आप वहां से सिंपली भाग रहे हो उसको उसी के हाल पे छोड़ के, ये बहुत गलत एटीट्यूड है. बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, ना मिलने की वजह से भी मर जाते हैं. तो लॉ इस मेनेस को रोकना चाहता था हिट एंड रन में, जो लोगों की एक साइकोलॉजी है टू रन अवे फ्रॉम देयर टू अवॉइड लीगल शैकल्स. बट इससे एक इनोसेंट पर्सन मर भी तो जाता है. अब ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं अगर हम रुकेंगे तो मॉब हमें लिंच कर देगा, भीड़ हमें पीट पीट के मार देगी, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में हुआ भी है. तो आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आप भाग जाओ वहां से अगर आपको लगता है भीड़ आपको अटैक करेगी, बिल्कुल भाग जाओ, आपके पास भी तो प्राइवेट डिफेंस है, आप भाग जाओ. आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो बस, आप फोन पे इन्फॉर्म कर दो पुलिस को, आप मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दो, आप हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दो. सजा कब मिल रही है? जब आप भाग रहे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस और मैजिस्ट्रेट. आप भाग जाओ पर अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे तो 10 साल की सजा नहीं हो रही. और अगर सच में आप किसी को हिट एंड रन के बाद भाग रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो सजा तो ज्यादा होनी भी चाहिए. तो जो ट्रक ड्राइवर्स का पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि हमें 10 साल की सजा दी जा रही है अगर हम भाग रहे हैं तो. भागने पे सजा नहीं दी जा रही, लिटरली सजा दी जा रही है नो इन्फॉर्मेशन देने पे. आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? आपकी उस इन्फॉर्मेशन की वजह से जान बच भी सकती है. आपके मन में क्वेश्चन आए, मैम सपोज पेडेस्ट्रियन ऑलरेडी मर चुका है तो क्या ही इन्फॉर्मेशन देनी है? कैसी बात कर रहे हो? डेड पर्सन की भी तो डिग्निटी होगी ना, डेड पर्सन को भी तो, उसको उसकी भी तो, ऐसा ना हो उसकी बॉडी क्रश हो जाए या उसकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले. तो मैं आपको एग्जैक्टली यही बता रही थी स्टार्टिंग में कि मैं प्रोटेस्ट नहीं समझ पा रही, क्योंकि लॉ तो बड़ा क्लियर है इसमें. अगर ट्रक ड्राइवर ने इन्फॉर्म ही कर दिया, कोई सजा नहीं है. वो एस्केप कर गए अपनी जान बचाने के लिए, तो ऑब्वियसली उनको जान बचाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मॉब बहुत वायलेंट हो सकती है. सिंपली इन्फॉर्मिंग अबाउट द सेम विल प्रिवेंट यू फ्रॉम 10 years इम्प्रिजमेंट. और अगर आपकी कोई रैशनेस थी ही नहीं एक्सीडेंट में, आपकी कोई गलती ही नहीं थी, तो वैसे भी आपको सजा नहीं मिल रही. और अगर आपकी गलती की वजह से किसी की डेथ हुई है तो सजा मिलनी भी चाहिए. तो सारे पॉइंट्स ही लेजिटिमेट है. दो गवर्नमेंट ने कल बोला है कि अभी ये लॉ लागू नहीं हुआ है, हम लागू करने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन करेंगे और आपके साथ बात करने के बाद ही इसको लागू किया जाएगा. बट आप देखो कितनी डिसइंफॉर्मेशन है, कितनी सारी गलत वीडियोज़ हैं इसके ऊपर जो ऐसे दर्शा रही हैं कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट कर रहे हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं. ये ट्रक ड्राइवर के लिए क्या, ये हर ड्राइवर के लिए है. वो ट्रक भी चला सकते हैं, वो टू व्हीलर भी चला सकते हैं, वो कार में भी हो सकते हैं, वो बस ड्राइवर भी हो सकते हैं. तो हमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अगर हमसे हिट एंड रन की कोई चीज़ हो जाए तो हम एटलीस्ट इन्फॉर्म करें उस पर्सन के लिए जो उसका विक्टिम है.
सो आई होप आपको क्लैरिटी हुई. आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये प्रोटेस्ट वर्दी है या इस पे आपकी क्या ओपिनियन है. हो सकता है आपकी ओपिनियन बिल्कुल अलग हो और आपको ही मुझे पॉइंट बता सको. सो प्लीज़ लेट मी नो. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू एक्सप्लेन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.